इंसोल अपने लिए काफी अच्छे फिनिशर्स यहाँ बटोरती हुई देखने को मिल रही है। खिलाड़ी को नॉक तो कर रहे हैं बट अभी तक उन्हें फिनिश में तब्दील नहीं कर पाए हैं। दो फिनिश आया जरूर है इनके पास बट अब यहाँ टीम एक्स पार्क की एंट्री होगी और यहाँ से टीम एक्स पार्क बटोर जाएगी। दो बेहतरीन फिनिशेस जो टीम सोल को चाहिए थे बट अब वो आ चुके हैं टीम एक्स पार्क के खाते में और यहाँ से 420 ओपी हाथों में यूएमपी 45 रहेगी। आगे बढ़कर स्पेस लेने की कोशिश बट इन्हें अंदाजा लग चुका है कि आगे बढ़ना थोड़ा टेडली साबित हो सकता है। हेक्टर काफी लो एचपी के साथ है, हेलमेट इनकी गायब हो चुके हैं, इन्हें हील करना पड़ेगा अपने आप को जल्द से जल्द बट हील करने की जगह ये पहले थोड़े फ्री फायर लेते हुए नजर आए और आगे से बढ़कर आएंगे। 420 ओपी नॉक करेंगे हेक्टर को और इंस्टेंटली फिनिश भी करेंगे क्योंकि 420 ओपी को पता है कितना महत्वपूर्ण रहेगा यहां से एक एक प्लेयर को डाउन करना। जी हाँ बिल्कुल। अब अगर आप बात करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी टीएक्स भी फाइट के अंदर पूरी तरीके से अपनी इन्वायरमेंट दिखा रही है और प्लेयर्स को एक अधिक लगातार टेकडाउन भी करती दिख रही है। नोटो भी आगे बढ़ेंगे कनेक्शन ढूंढने के लिए, एचपी इनकी भी बहुत बड़ा ड्रेन है बट जस्ट लुक एट दिस व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन नो सोल की तरफ से उनको भी ऑब्लिटरेट किया जाएगा। पूरी की पूरी टीम यहाँ पर हेलमेट हो जाएगी और एक अकेला प्लेयर बचा है ओमेगा जो कि रिवाइव देने की कोशिश करेंगे जरूर बट ग्लोबल ईस्पोर्ट्स चौथी टीम कमिंग इनसाइड द सेम फाइट। क्या हो रहा है, सबको इस सर्कल के अंदर एवरेस्ट का कंट्रोल चाहिए और यहाँ पर ग्लोबल ईस्पोर्ट्स फिनिशर्स बटोरेगी और सोल को भी एलिमिनेट कर देगी एक के बाद एक लगातार ताश के पत्तों की तरह हर एक टीम बिखर चुके हैं। व्हाट आई एम सीइंग इज नीचे रेकनिंग भी दिख रही है तो क्या